सर मैं भदोही जिला माधो सिंह का रहने वाला हूँ बनारस पास यूपी ये में है जगह पड़ता है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ आप यूपी से हैं बनारस से हैं है कुछ कहना आपको प्लीज सबको नमस्कार और प्रणाम आज मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ चूँकि आई आई टी में मेरी एक बेटी श्रेया रहती थी 2018 में मैंने जब उससे पूछा कि एक बार मुझे तुम्हें बॉस से मिलना है कैसे मैं मिल सकती हूँ तो उसने कहा मेरे बहुत दो ही ऑप्शन में मिलते हैं या तो बच्चा बहुत अच्छा करे या तो बच्चा बहुत बुरा करे तो माँ मैं तो बुरा तो करने से रही कुछ अच्छे के लिए मैं आपको जरूर वहाँ तक पहुँचाऊँगी अब आज मैं इस स्टेज तक आ पाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं शाली का यह सपना था मैं डॉक्टर बनूँ और जब भी यहाँ पर असम्बली होता था उसका यह था कि कभी यहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स को खड़ा करूँ अब आज वो दिन हमें मिला है मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ शायद मेरे पास शब्द ही नहीं है और आपके शब्दों में वो कला है जो आपको लोग सुनते हैं क्योंकि दस मिनट बीस मिनट बातें हम सबकी सुन के बोर हो जाते हैं लेकिन आपकी जितनी बातें हम सुनते हैं लगता है आगे सुनते रहें वो शब्द कहते हैं ना शब्द शब्द बहुअंतरा शब्द के हाथ न पाओ एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव और वो शब्द आप में है जो मरहम का काम करता है इंसान के अंदर कितना ही घाव क्यों ना हो लेकिन वो मरहम आप जरूर लगाते हैं दवा इंसान डॉक्टर देता जरूर है लेकिन सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए कि मैं ये ठीक हो जाऊंगा तभी वो दया कार्यगत होता है यह yeah, अब पूजा करने से पहले आस्था की बहुत जरूरत होती है वैसे सी में आप सभी बच्चों में जो भी यहाँ आए उसमें विश्वास की बहुत जरूरत है कि जब भी हम यहाँ से निकलेंगे कुछ करके निकलेंगे किसी को इतना आसान नहीं होता सब कुछ पाना मंजिल ही नहीं मिलती राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है है हमने भी पूछा चिड़िया से कैसे बनता है। उसने तिनका तिनका तो 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 श्रवण कुमार नहीं होता you, ये, ये या या आपके लिए बहुत बड़ी बात है बाईस घंटे का सफर करके पहली बार यहाँ आई हूँ चूकी चार साल से मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे मैं कभी नहीं आई बच्चे हमेशा कहते थे माँ एक बार बच्चे चार साल तो नी तो आप चा। आई आई और वैशाली नीट के लिए दोनों एक ही रूम में दोनों बच्चों को शिफ्ट करें ताकि मैं दोनों के बारे में जान सकू की मेरे पीछे बच्चे मेरे करते क्या है क्योंकि एक चोर को पकड़ने के लिए खुद को चोर बनना बहुत जरूरी है वो चोर मैं यहाँ नहीं थी लेकिन आपने मेरे बच्चों को इतना अच्छा गाइडलाइन किया कि आज कभी कभी लोग कहते थे ऐसी कौन सी पढ़ाई

दो दो मिनट काफ़ी नहीं होते थे तो मैंने वैशाली से कहा कि किसी एक लोग बात किया करो ताकि एक लोग से मैं चार मिनट बातें करूंगी तो कम से कम तुम अपनी कहोगी मैं तुम्हारी सुनूंगी लेकिन फिर एक बार वैशाली का टेस्ट हुआ पेप उसका फ़ोन नहीं आया कुल मिला के पंद्रह दिन बीत गए फिर मैंने इनसे कहा ऐसी कौन सी पढ़ाई बच्चे पढ़ते हैं कि एक बार उससे मेरी याद भी नहीं आई फिर बाईस दिन बाद जब इसका फ़ोन आया तो मैंने अपनी बातें ऐसे नहीं शेयर की मैंने उसको लाइन में बनाया मैं आपको सुनाना चाहूँगी कैसी शुरू की है ये तुमने पढ़ाई तुझे तेरी मम्मा की याद नया गिरते हुए को मैंने चलना सिखाया आज तूने कैसी ये कलम उठाई कैसी शुरू की है ये तुमने पढ़ाई तुझे तेरी मम्मा की याद नया तो इस सुना। क्या ये लाइन मैंने ये लाइन लिख के वाट्सअप करना मेरे को फिर उसके बाद मेरी वैशाली का पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ मैंने इसकी इसने सब लोगों ने कहा बी एस सी ले लो बी डी एस ले लो क्योंकि मेरा भाई खुद एक सर्जन डॉक्टर है उसने भी कहा कि वैशाली तुम बी डी एस क्यों नहीं ले, ले लेती तो इसने ना ना कहा ना हाँ कहा मैंने इसकी खामोशी पढ़ ली क्योंकि हर कुछ बोलना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि मुंह की बात सुने हर कोई दिल का दर्द न जाने कोई आवाज़ों की बाजारों में खामोशी पहचाने को मैंने इसकी वो खामोशी पढ़ ली मैंने कहा कोई नहीं तुझे जहाँ इतना ऊपर चढ़ाया है थोड़ा और सही क्योंकि इनके पापा के सपना था इतना ऊपर चढ़ा के गिरने तो नहीं दूंगा क्योंकि जवाब देना बहुत जरूरी है यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा प्रणाम बॉस को सब जानते पर मैंने पहली बार 22 फरवरी 2020 को जाना था बॉस के घर मीटिंग थी सोलह बच्चों की मैं गई थी था। तो उस दिन मीटिंग में ये बात नहीं थी कि मैं बॉस के घर गई थी उस दिन बॉस ने बड़ी बात ये थी मैं जिस गाड़ी से गई थी तो उस गाड़ी को बॉस ने चलाया था और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पल था उस दिन मैं आई वर्डन ने बोला कि बेटा टाइम ऑफर हो गया बात नहीं कर सकती घर पे मैंने सबसे पहले मम्मा को फ़ोन किया मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं सेलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी नीट में पर आज उस गाड़ी को बॉस ने चलाया था मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा पल है क्योंकि गाड़ी तो बहुत हो सकती है चलाने वाला भी कोई नहीं पर आज मुझे बॉस ने चलाया था इसलिए वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा पल था और उस दिन मैंने बॉस को बहुत ही करीब से जाना था धन्यवाद बॉस थैंक यू सर उसने बोला कि कार बो अपने लाइफ में मैं चलाऊंगी माँ शायद ड्राइव भी लोग करें लेकिन बॉस ने अपने घर तक मुझे खुद ड्राइव करके ले गया ये आज के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है ये खुशी शायद मैं कभी भूल ना पाऊँ जिंदगी में हो सकता है मैं बहुत आगे जाऊँ लेकिन यह पल न मिले थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू नेक्स्ट बच्चा है प्लीज ये इमोशंस है सब इनके आधार पे खड़ा सी एल सी यही इमोशंस है